हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सोनाली, उसकी इंगेजमेंट थी। ये उसी का ही क्लिप है और ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनाली और उसका होने वाला हबी रोहित। फिलहाल दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये रही हमारी प्यारी सी गुड़िया। जब से शिवांशी ने चलना शुरू किया है ना, वो इसी तरह से कहीं पे भी जाती है ऐसी भागना शुरू करती है। आई थिंक आपके भी बच्चे इस तरह से करते होंगे जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा होगा। अगर ऐसा करते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान करके। और ये क्लिप है चिल्ड्रंस डे की, जब मम्मी हम दोनों को ले करके जा रही हैं कुछ स्पेशल खिलाने जो कि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। और वो स्पेशल क्या है उसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। किसी कर लो। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, इसको 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 फ्लाइंग किस करो। अब इस लाइन का मर्डर होने वाला है। शिवांशी ने उसकी मुंडी पकड़ के उठा लिया है। शिवांशी कहाँ ले जा रहे हो बच्चे? किसी कर रहे हो? शिवांशी किसी कर रही है? ये इयर्स है उसके। और ये है वो स्पेशल चीज़ जिसके लिए मम्मी मुझे लेकर के आई थी बाहर। अब आप लोगों को लग रहा होगा जो कानपुर वाले होंगे, फ़िलहाल उनको तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा होगा, मगर मुंबई में ना इस तरीके की चाट मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। जो टेस्ट एक ये यूपी की चाट में आता है ना, वो टेस्ट मुंबई में कहीं नहीं मिलता है। तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस चाट की। आप लोग कई लोग जानते भी होंगे कि गोविंद नगर में एक विद्यार्थी मार्केट के अंदर चाट लगाते हैं और ये जो चाट वाले हैं ये विद्यार्थी मार्केट के बाहर लगाते हैं। आई थिंक इनका नाम मेरठ चाट भंडार करके है। दोनों की ही चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाना बजा रही है। तो आजकल शिवांशी ने कुछ इस तरह से खेलना शुरू कर दिया है।
और वो ढोलक भी ऐसे बजा रही थी जैसे कोई बड़ा बजा रहा हो, मतलब बहुत जानकार हो इस ढोलक की, वो इस तरह से ढोलक को बजा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसे ऐसे देखते हुए ना। और ये देखिए शिवांशी का एक और फेवरेट गेम। आजकल शिवांशी को ना विंडो पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बड़ी आराम से वो विंडो पे चढ़ जाती है। आजकल शिवांशी को ना ढोलक से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और वो सारा दिन ढोलक से कुछ इस तरह से खेलती रहती है। शिवांशी को बस कुछ ही चीज़ें पसंद हैं, एक तो उसे तेज़ भागना और ढोलक के साथ में खेलना। उसे अपनी टॉयज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही खेलती है। शिवांशी आजकल ना सबको कॉपी करना बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख रही है, मतलब उसके सामने कोई भी कुछ भी करता है ना, उसे बड़ी ध्यान से वो देखती है और उसी तरह से वो बिहेव करने की कोशिश करती है, जैसे अभी वो मम्मी को देख के ना ढोलक बजाने की कोशिश कर रही थी। शिवांशी क्लैपिंग। तो थे शिवांशी के तरह तरह के तरीके खेलने के। और आजकल शिवांशी को ना काऊ देखना बहुत अच्छा लगता है और उसके नानू हमेशा उसे काऊ दिखाते हैं। देखो बाहुबली। तो ये है कुछ झलकियाँ हमारे छोटे बाहुबली की। आजकल शिवांशी ना बेड के पास जो कुछ भी थोड़ी चीज़ें पड़ी होती है ना, जो वो उठा सकती है, वो इसी तरह से उनको उठा लेती है। शिवांशी बाहुबली। अरे यार, हेलो शिवांशी, कहाँ जा रही है? शिवांशी, शिवांशी, तो यही तक था आज का हमारा ये ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सके और आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।